AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर देश और दुनिया की दिग्गज कंपनियां बढ़ चढ़कर इन्वेस्ट कर रही हैं। ऐसे में भारत की तीसरी सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी विप्रो ने भी अब अपने स्टाफ को AI ट्रेनिंग देने का ऐलान किया है। दरअसल कंपनी ने अपने 2.5 लाख कर्मचारियों को AI ट्रेनिंग देने के लिए अगले 3 सालों में $1 बिलियन यानी करीब 8,230 करोड़ रुपए का निवेश करने का प्लान बनाया है। साथ ही बता दें कि विप्रो का कहना है कि कंपनी भविष्य में AI टेक्नोलॉजी को अपने प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल करने की तैयारी कर रही है। इसके साथ ही कंपनी इस इन्वेस्टमेंट से क्लाउड डेटा एनालिटिक्स कंसल्टिंग और इंजीनियरिंग टीम्स के साथ काम करवाएगी, जिससे AI टेक्नोलॉजीज को कंपनी के सभी इंटरनल ऑपरेशंस और क्लाइंट सॉल्यूशंस के साथ इस्तेमाल किया जा सकेगा। साथ ही विप्रो ने अपने AI फर्स्ट इनोवेशन इकोसिस्टम विप्रो AI 360 को भी लॉन्च कर दिया है। विप्रो ने कहा है कि इसमें 2.5 लाख कर्मचारियों को AI का इस्तेमाल जिम्मेदारी के साथ करना सिखाया जाएगा। कर्मचारियों को ये ट्रेनिंग अगले 12 महीनों तक दी जाएगी। हालांकि कंपनी AI को बेहतर इस्तेमाल करने के लिए आगे भी कर्मचारियों को इस तरह की ट्रेनिंग देती रहेगी। विप्रो के CEO और MD थेरी डेलापोर्टे ने कहा है कि जेनरेटिव AI के आने के बाद अब हम सभी इंडस्ट्रीज के लिए एक बुनियादी बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं। वहीं AI ट्रेनिंग के साथ विप्रो अगले 3 सालों में क्लाउड सर्विसेज, साइबर सिक्योरिटी, इंजीनियरिंग और डिजाइन समेत अलग अलग सेगमेंट्स के करीब 30,000 कर्मचारियों को एक साथ काम कराएगी। विप्रो का ये स्टेटमेंट अपने राइवल TCS के एक अनाउंसमेंट के बाद आया है। दरअसल TCS ने पिछले हफ्ते कहा था कि उसने अपने 25,000 इंजीनियर्स को माइक्रोसॉफ्ट से Azure OpenAI पर ट्रेनिंग देने और सर्टिफाइड करने का प्लान बनाया है। बता दें कि दुनिया भर की बड़ी टेक कंपनियों ने भी ChatGPT के आने के बाद AI में इन्वेस्टमेंट दोगुना कर दिया है। तो आइए जानते हैं कि क्या है जनरेटिव AI और क्यों ये कंपनियों को लुभा रही है। दरअसल जनरेटिव AI टेक्नोलॉजी बीते साल के आखिरी महीने से ही बड़ी टेक कंपनियों का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। बीते साल अमेरिका की AI स्टार्टअप कंपनी OpenAI ने जनरेटिव AI एप्लीकेशन ChatGPT को पेश किया था। ये चैटबॉट मॉडल अपनी खूबियों से लुभाने में कामयाब रहा था। वहीं फिलहाल जनरेटिव AI एप्लीकेशंस GitHub, Copilot, Stable Diffusion की मदद से यूजर अपने रोजाना के कामों को आसानी से कर पा रहे हैं। वहीं जनरेटिव AI एप्लीकेशंस टेक्स्ट लिखने, म्यूजिक कंपोज करने और डिजिटल आर्ट क्रिएट करने में मददगार साबित हुआ है। इसके साथ ही AI टेक्नोलॉजी के साथ अर्थव्यवस्था में $खरबों बनाने की कैपेसिटी देखी जा रही है। इस टेक्नोलॉजी को कंपनियां अपने बिजनेस बढ़ाने के रूप में महत्वपूर्ण मान रही हैं और इसी को देखते हुए कंपनियां अपने कर्मचारियों को इसे सीखने के लिए निवेश कर रही हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे भी लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और देखते रहें जागरण बिजनेस।